तो मेरा दिमाग खिसक गया, कैसे कहूँगा, आई एम आउट ऑफ माई माइंड, आई एम आउट ऑफ माई माइंड। फिर से बोलते हैं, I am out of my mind. फिर से बोलेंगे, I am out of my mind. तो जब भी कहते हैं यार दिमाग खिसक गया, मतलब पागल हो गया मैं, तो आई एम आउट ऑफ माई माइंड। पूछते हैं ना कई बार किसी, पागल हो गई लड़की, दिमाग से पैदल है क्या, दिमाग खिसक गया क्या तेरा, ऐसे बोलते हैं ना, तो कैसे बोलेंगे, कंडीशंस है ना, किसी की क्वालिटीज़ है ना, राइट तो ये सारे नॉन एक्शन है हमारे, तो इस एमआर से बनेंगे इनके क्वेश्चन, सीखे थे हमने अच्छे से, राइट तो क्या आप आउट ऑफ माइंड हो, कैसे पूछेंगे, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, वंस अगेन। हाँ तो हम बात कर रहे थे ना इसकी, तब से हमने इसको क्या किया, कोर्स में ऐड कर लिया। द पर्सन जो कि छोटी सी बात पर रो पड़े, दिल पर ले जाए, दैट काइंड ऑफ पर्सन आर कॉल्ड टची, क्या बोलते हैं, टची, ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल दिल पर ले जाता है, छोटी छोटी बात को बुरा मान जाता है। क्या आप टची हो, क्यों जब मानेंगे, जैसे उसने ये मान गई थी इसकी फ्रेंड ने, नहीं नहीं मेन तो वही थी ना, तो इसकी फ्रेंड ने, ये बड़ी खुश आए थे दोनों के दोनों, इसकी फ्रेंड ने ऐसे करके फ़ोन ऐसे कर लिया, इसने ऐसे देखा, उसने ऐसे कर लिया, ये एक डेढ़ घंटा रोई पूरी, एक घंटा तो प्रॉपर रोई, आधा घंटा सुबह सुबह के रोई। तो सुबह सुबह का रोना होता है सोब, क्या होता है, वंस अगेन। तो क्या करी थी, हमें सिसकिया लेना, जैसे बच्चा होता है ना रोने के बाद ऐसे करता है, ये जो ऐसे करके रोना होता है ना, इसे बोलते हैं सोब। तो क्या कर रही थी, सिसकिया ले रही थी, शी वॉज आएगा ना, अभी कोई काम चल रहा है तो हम क्या लगाते हैं, इज़ामर के साथ एक्शन में आएंगे लगाते हैं, अगर अभी सिसकिया ले रही है, अभी रो रही है, तो शी इज सोबिंग, फिर से बोलो, लेकिन सिसकिया ले रही थी तो इज़ामर का पास्ट वॉज वर हो गया, शी वॉज सोबिंग, फिर से बोलो, तो क्या है, टची है, शी इज वेरी टची, फिर से बोलो, आप भी हो क्या, मैं तो नहीं हूँ सर, ये टची है, मैं पहले था, आई वॉज टची अर्लियर, बट नाउ आई एम स्लगिश, स्लगिश तो लीचड़ हो गया सर, अब मैं लीचड़ हूँ, स्लगिश नहीं बोला, चलो बोलो आप हो तो ना कुछ तो सच निकला, चलो किसी ने तो एक्सेप्ट किया हमें, तो बोलो सर मैं लीचड़ हूँ, कैसे कहोगे, आई एम स्लगिश, फिर से बोलो, डीट को बोला जाता है स्टबर्न, क्या बोलते हैं, स्टबर्न, क्या आप स्टबर्न हो, आर यू स्टबर्न, मैं तो नहीं हूँ सर, लेकिन कौन स्टबर्न है सर, ये स्टबर्न है, शी इज स्टबर्न, पूजा स्टबर्न है, तो पूजा स्टबर्न नहीं है, ये तो दिल पे ले जाने वाली लड़की है, शी इज वेरी टची, जैसे बोलो, एक इंसान को टची नहीं होना चाहिए, मैं देखना चाह रहा था कितने सर, फिर भी देख लेते हैं फिर से, हाँ एक इंसान को टची नहीं होना चाहिए, देखो आ लग गया ना, तो वन नहीं चाहिए बेटा, एक का मतलब ही क्या होता है, वन अ पर्सन, वेरी गुड, नहीं होता, होना चाहिए, अ पर्सन शुड, वेरी गुड, अ पर्सन शुड नॉट टची, क्या होगा, नहीं नहीं फिर बोल दो ना फिर से, A person should not touchy. अच्छा सुनो, आपको जाना चाहिए, you should go. एक इंसान को जाना चाहिए, A person should go. Very good. एक इंसान को खेलना चाहिए, एक इंसान को, कोई भी व्यक्ति जो उसको अपने अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, A person should respect his elders. Right? इसमें आपने गो लगाया, एक में प्ले लगाया, एक में आपने रिस्पेक्ट लगाया, ये क्यों लगाया, आप लोगों ने एक्शन नहीं लगाया, जैसे कि आपने ऐसा एक सेंटेंस बोल दिया, जैसे कि अ पर्सन शुड टची, अ पर्सन शुड क्या करना चाहिए, उस इंसान को जाना चाहिए, खेलना चाहिए, नाचना चाहिए, क्या करना चाहिए, होना चाहिए, और होने की इंग्लिश क्या होती है, बी होती है, तो बी को आप खा गए, A person should be,
नहीं होना चाहिए टची. अ पर्सन शुड नॉट बी टची. इसे बोलो वंस अगेन. आपको अगर मैंने कहा कि भाई आपको वाइज होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, है ना, तो अ पर्सन शुड वाइज क्या हो गया? वाइज क्या होना चाहिए ना, वाइज, या फिर वाइज को पीटना चाहिए, वाइज बनना चाहिए, वाइज इंसान को आपको देखना चाहिए, वाइज इंसान के साथ रहना चाहिए, कोई ना कोई एक्शन तो होगा. वाइज तो क्या है, क्वालिटी है. टची भी एक क्वालिटी है, उसके साथ एक्शन तो कुछ लगेगा, राइट? तो आपको टची नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट बी टची. फिर से बोलो, आपको वाइज होना चाहिए, बुद्धिमान. यू शुड बी, और समझदार को तो इशारा ही काफी होता है. अ नॉट टू वाइज. फिर से बोलो, क्या आप समझदार हो? हम तो नहीं है सर, वी आर नॉट वाइज. फिर से बोलो, लेकिन आपको होना चाहिए. चलो ठीक है, हम देखो आज जो हम सीखना चाह रहे हैं, मजबूरियां सीखना चाह रहे हैं. हम क्या सीखना चाह रहे हैं? मजबूरियां. जिंदगी में बहुत सारी मजबूरियां हैं आपकी, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करना नहीं चाहते दिव्या, लेकिन आपको करनी पड़ती है. इसको नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इसको नहाना पड़ता है, नहाना पड़ता है. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको करनी पड़ती हैं, लेकिन ट्रांसलेशन मत करना. बहुत सारे टीचर आपको ऐसे सिखाएंगे, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, पता नहीं कुछ कुछ से बना बनोगे, 10-15 तरीके को ढूंढ लेंगे, लेकिन आप इतना वो तो वही हो गया. फिर ता है, ते है, ती है, पढ़ता है, उसमें उतना है, तो रहा रही है, रही है. मैंने ऐसी कोई टीचर देखा, चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ था, ए थे, ए थी, लिया था, लिए थे, ली थी. इतना सोचोगे तो आप सेंटेंस कब बनाओगे, राइट? आपको ध्यान देखना कि आपको कोई काम करना पड़ता है, मजबूरी है आपकी, बस. तो आप बोलोगे आई हैव टू एक्शन. क्या बोलोगे? आई हैव टू एक्शन. वंस अगेन, आई हैव टू एक्शन. एक्शन मतलब क्या होता है? वर्ब, वो काम. आई हैव टू एक्शन. अब जरूरी नहीं है उसमें पढ़ता ही आए, मुझे कोई काम करना पड़ेगा भी आ सकता है. मैं ये भी कह सकता हूँ, है ना, बता रहा हूँ वो भी. हाँ, कुछ लोग बताएंगे ना, पढ़ता है ताते हो गए, फिर बोलेंगे पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेगी. हाँ, वो चीज़ आपको ध्यान नहीं देनी है, राइट? आपको ध्यान रखना कि कोई काम आपकी मजबूरी है तो आई हैव टू एक्शन. फिर से बोलो, आई हैव टू एक्शन. इसमें आप अलग अलग तीन तरीके से ऐसे बोल सकते हो, मुझे ये काम करना पड़ेगा भी हो गया, मुझे ये काम करना पड़ता भी हो सकता है, और आप ये भी कह सकते हो यार मेरे को ये काम करना है, यार मेरे को जाना है, लेट हो रहा हूँ मैं, जाना है. इसमें तो कहीं पड़ता है नहीं आया ना, पड़ेगा भी नहीं आया ना इसमें, राइट? लेकिन मजबूरी है ना, यार मेरे को जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, आई हैव टू गो. क्या बोलेंगे? वंस अगेन, एक्सप्रेशन नहीं लग रही, मजबूर है ऐसे देखो. ओह माय गॉड सर, 10 बज गए, अब मेरे को जाना है, ये बोलते ना मुझे, आई हैव टू गो. क्या बोलेगी? सर 9 बज गए, आई हैव टू गो. कैसे बोलेगी? ये जाना पड़ता नहीं कह रही उस समय, ये क्या कह रही है? सर मेरे को जाना है, मैं लेट हो रही हूँ, मजबूरी हो गई, आई हैव टू गो. क्या बोलेगी? अगर बात कर रहे हैं हम थर्ड पर्सन की, तो सिंपल है, हैव का क्या बन जाता है? हैज. हैज, शी हैज टू गो. कैसे बोलेंगे? उसको नहाना पड़ता है. शी हैज टू टेक अ बाथ. बात के साथ ए लगाना होता है. शी हैज टू टेक अ बाथ. कैसे बोलेंगे? वंस अगेन. हाँ, वंस अगेन. सर क्या अगर इंग्लिश बोलने का मन तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन आप जबरदस्ती करते रहते हो, बोलो बोलो बोलो, तो हमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है. We have to speak English. Once again. तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जो आप करना नहीं चाहते, दैट यू डोंट वॉन्ट टू डू, बट यू हैव टू डू, बट यू हैव टू डू. तो कुछ लोग होते हैं मजबूर कर देते हैं, मजबूरी में आप बहुत सारे काम करते हो, है ना. अब देखो, हमने एक बात और कही यहाँ पर कि करना पड़ेगा. पड़ेगा को अलग से आप फ्यूचर में ही बनाना चाहो तो आपको क्या करना है, विल भी लगा सकते हो आप. मेरे को अब जाना पड़ेगा, एग्जैक्टली ऐसे ही बनाना चाहो, आई विल हैव टू गो. क्या हो जाएगा फिर? लाउडली आई विल हैव टू गो, या फिर आई हैव टू गो का मतलब भी वही हो जाता है. फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हो उसे, आप प्रेजेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो. और ये तो हमने सीख ही रखा है भाई, पास्ट की बात है. पास्ट नहीं बेटा, फ्यूचर एंड प्रेजेंट बोलो. पास्ट तो अभी हमने बात ही नहीं की. पास्ट की अगर बात कर रहे हो, पास्ट में तो सीधा हमारा इसकी पास्ट फॉर्म लगेगी. हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है? हैड होती है, है ना. कोई काम आपको करना पड़ा था, यार मैंने मजबूरी में किया था ये काम, मजबूरी में किया था कहूँ, मुझे मजबूरी में करना पड़ा था कहूँ, मुझे आई हैड टू एक्शन बोल देना है. क्या बोलना है?
आई हैड टू एक्शन. कोई काम करना पड़ता है, आई हैव टू एक्शन. कोई काम करना पड़ेगा, आई विल हैव टू एक्शन. लेकिन जो आई हैव टू एक्शन है ना, ये फ्यूचर के लिए भी यूज़ किया जाता है. ऐसे ही इसमें ये वाली फीलिंग होती है, यार मेरे को अब जाना है. सेंस क्या है, मेरे को अब जाना पड़ेगा, मतलब तो वही है ना, फ्यूचर की बात करें, यार मेरे को जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो. कैसे बोलेंगे, आई हैव टू गो, या तो आप इसे आई हैव टू गो कह लो या फिर आई विल हैव टू गो बोल लो, दोनों का मीनिंग सेम ही हो जाता है. हैव टू सिचुएशन के हिसाब से दोनों मीनिंग बदलेगा, लेकिन जो विल है वो सिर्फ फ्यूचर के लिए ही हो गया. राइट, थोड़ा लैंग्वेज में क्या मानते हैं कि विल हैव टू ने एक लंबा सेंटेंस हो जाता है, थोड़ा बोरिंग कर देते हैं. तो लैंग्वेज में क्या माना जाता है कि अब जितना छोटे में आप बात चला सकते हो, काम चला सकते हो, उतना छोटा करना चाहिए. इसलिए विल हैव को ना अवॉइड करते हैं. अंग्रेज तो बोलते ही नहीं है. इफ़ यू टॉक अबाउट नेटिव स्पीकर्स, दे डोंट यूज़ इट. विल हैव तो बोलते ही नहीं है, बहुत रेयर बोलते हैं वो. राइट, तो इसलिए आप हैव से ही काम चला सकते हो. बल्कि वो तो आई हैव टू का भी और आगे बना देते हैं. जैसे कि आई हैव को बोलते आई हैव, सीखा था हमने आई हैव का कैसे बोलेंगे, लेकिन वो कहते हैं आई गोडा गो, आई गोडा गो. क्या बोलते हैं, जब हमने मजबूरी बताई होती है ना आई हैव टू गो, जब ज़्यादा ही मजबूरी हो जाती है, बिल्कुल यार अब तो काम चलेगा ही नहीं, अब तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, जब इतनी ज़बरदस्त वाली मजबूरी हो जाती है तो बोला जाता है आई हैव गोट टू गो. क्या बोलते हैं, जैसे बोलो I have got to go. अब जैसे कि लड़ाई हो रही थी ना, किसकी, वही कुछ साल पहले भगवान राम की और रावण की, याद आई, उसी के ऊपर तो रामायण लिखी गई है ना, पता होगा ना दिव्या, हाँ हाँ पता है, चलो. तो राम और रावण की लड़ाई हो रही थी, तो रावण पहले सीधा नहीं आया था, कभी मेघनाथ को भेज रहे थे, कभी कुंभकर्ण को उठा के भेज रहे थे ना, तो लास्ट में जब लास्ट में सब चले गए थे तो अब रावण को लगा कि अब तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, अब चाहे कुछ हो जाए, अब तो मेरे को ही जाना पड़ेगा, मैं ही एक ऑप्शन हूँ, आई हैव गोट टू गो. अभी लास्ट उनकी मजबूरी हो गई थी, है ना. पहले बार सोचेगा हमारे सैनिक निपटा देंगे, देखो सैनिक भी निपटा पाए, फिर उसके बाद उसने दूसरे किसी को भेजा, वो भी नहीं निपटा पाया, सबको भेजते गए बारी 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 बारी, अब तो क्या, अब तो मेरे को ही जाना पड़ेगा, आई हैव गोट टू गो. ऐसे जब मजबूरी हो जाती है ना, I have got to go. अब जैसे कि मान लो ये नहाती नहीं है, कई दिन हो गए, सब ने टोकना शुरू कर दिया, नहा लिए, एक बदबू आ रही, मर गए हम, बेहोश हो गए, बिल्कुल लास्ट हो गई, हद हो गई. एक दिन क्लास में आई, हमने कह दिया अब हम एंट्री नहीं देंगे, बहुत हो गया, हम रोज कैसे कह के थक चुके हैं ना, अब क्लास से निकाल दिया, अब यार अब तो ऑप्शन नहीं रहा, तो नहाना ही पड़ेगा मेरे को, आई हैव गॉट टू टेक बाथ. बोलो आई हैव गॉट टू टेक अ बाथ. वंस अगेन, पूरे साल आप कहते रहे यार पढ़ना तो है मेरे को, चल कोई नहीं, एंजॉय कर लेते हैं, रील्स बना लेते हैं अभी, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी, यार पढ़ना है, आई हैव टू, लेकिन कल एग्जाम आ गया, वो पूरा साल ऐसे निकल जाता है ना, पढ़ेंगे 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 करते करते करते, अब आपका फाइनल कल एग्जाम है, कल आपका क्या है, एग्जाम, या तो एग्जाम बोलो या फिर एग्जाम बोलो, लेकिन एग्जाम मत बोलना, कुछ लोग एग्जाम बोलते हैं, इसे ए नहीं होता, ई से स्टार्ट करना है. राइट, कल आपका एग्जाम है, अब आपको लोग यार कुछ भी कवर नहीं किया, सारा सिलेबस पढ़ा, ये है, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब मजबूरी होगी ना फाइनल, तो इस वाली में आप गोट टू वाला स्ट्रक्चर लगाओ, आई हैव गोट टू लाउडली, इसे बोलो, तो जब एक्सट्रीम आपके लिए, लेकिन अंग्रेज क्या कहते हैं, आई हैव गोट टू स्टडी लंबा बन रहा है ना, तो हैव को हटा देते हैं, वो कह रहे हैं कि अपने आप समझ जाएगा सामने वाला, भाई थर्ड फॉर्म लगाइए तो हैव तो होगा ही होगा, जो जो हालांकि आज तक आपको समझ नहीं आया है कि भाई मैं समझा के थक गया कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, वो इतना सोचते हैं कि कॉमन सेंस की बात है कि भाई चलो हैव तो होगा ही अगर थर्ड फॉर्म है, तो मैं कह रहा हूँ रिटर्न, तो इतना मैं अभी आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई आपने हैव समझ गए होगे, इसके साथ हैव है, हैव यू रिटर्न है. राइट, तो आई हैव गोट टू गो को बना देते हैं, वो गोट टू गो, गोट टू गो, गोट टू प्ले, Go to dance, go to study, go to take a bath, right? और कहते हैं अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है, go to का भी बना देते हैं गोटा, गोटा गाओ, आई गोटा गाओ, अब जाना पड़ेगा मेरे को, मजबूरी हो गई, आई गोटा गाओ, वंस अगेन, आई गोटा गाओ, प्रधानमंत्री बुला रहे हैं मेरे को जाना होगा, अब ठीक है ना, अब प्राइम मिनिस्टर का फोन है तो जाना ही पड़ेगा मेरे को, बहुत देर से बेचारे बाहर वेट कर रहे हैं, आई गोटा गाओ, कैसे बोलेंगे, वंस अगेन, तो ऐसे हम गोटा गो बोलते हैं. अभी गोटा गो वगैरह की टेंशन मत लेना, पहले अच्छे से आप आई हैव को समझो, है ना, कोई भी काम मुझे करना पड़ता है, आई हैव टू एक्शन,
क्या करूँ सर, सर्दी आ गई है, क्या करूँ, लेकिन नहाना तो फिर भी पड़ता है, लोग टोक देते हैं, है ना। आई हैव टू टेक अ बाथ, कैसे बोलेंगे? ऐसे ही इसकी भी मजबूरी है पूजा की भी, बर्तन वर्तन धोना। मैं जब भी नहीं अगर जाता हूँ बर्तन धोती मिलती है मुझे। अब मुझे लगा इसको पसंद हो गया, मैंने पूछा कि आपको पसंद है बर्तन धोना, कैसे पूछूंगा लाउडली, डू लाइक टू वॉश डिशेस? अरे सर कहाँ पसंद है, नो आई डोंट लाइक टू वॉश डिशेस। अब अपनी मम्मी की तरफ, मम्मी है ना सर, मजबूर कर देती है मेरी, माई मदर मुझे करना पड़ता है, वो तो बाद की बात है, मजबूर करते हैं मेरी मम्मी मुझे। अब देखो मजबूर के लिए हमारे पास एक तो वर्ड होता है इंसिस्ट, क्या होता है, दूसरा होता है कंपेल। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, इंसिस्ट तो छोटा भाई है और कंपेल बड़ा भाई है। इंसिस्ट में ये होता है जब सामने वाले ने आपको मजबूर किया, इसमें चलती आप ही की है, आपके पास है पावर अभी। लेकिन कंपेल में ऐसा कि जब सामने वाले ने मजबूर किया ना, अब आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव टू एक्शन, यू हैव टू, इसमें आपकी नहीं चलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मम्मी ने आपको कोई काम की कहा तो हो सकता है आप उसमें टाल मटोल कर दो, लेकिन अगर आपके पापा ने कहा आप नहीं कह सकते पापा बात ऐसी है मेरे को काम मत को जाके आप मेरे को काम करने दो, नहीं कह सकते ना। तो पापा वाली कंडीशन में पापा तो हमें कंपेल करते हैं, मदर वाली में इंसिस्ट भी होता है, कईयों की मम्मी खतरनाक होती है, वो कंपेल ही करती हैं, दे चप्पला दे चप्पला दे, तो मैं बताते हैं तेरे को निकम्मे। वो आजकल वीडियो भी ऐसे आते हैं, मैंने मदर्स डे पे वीडियोस, मदर्स डे पे बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस आती थी, अब की बार मैंने देखा कोई मम्मी चप्पलों से पीट रही है अपने बच्चों को, एक मम्मी ने तो वो उसी के ऊपर मार दी, कोई प्लेटों से पीट रही है, कोई लातों से पीट रहे, निकम्मी अब आ तू, तो मतलब वो भी मदर का प्यार ही होता है लेकिन, है ना। तो अब सुनो आगे, इंसिस्ट और कंपेल में समझ में आ रहा है तो मिक्स मिक्स वैसे ओके। तो नहीं बचपन में तो चलो पता नहीं नहीं मिक्स हो जाता था कई बार, मतलब रेयर ही होता था कि मम्मी वो दूसरे वाला लेके आए प्यार, है ना। आजकल तो फिर मम्मी कुछ नहीं कहती, अब उनको दया आती है कि बेचारे की शादी हो रखी है अब क्या पीटूं कि पहले ही हमने बर्बाद कर दिया और क्या इसको पीटूं मैं, अब तो दया आती है घर वालों को। तो दया आना क्या होता है? हैव पीटी, हैव पीटी, तो मेरे ऊपर दया करते हैं वो, दे हैव पीटी ऑन मी, फिर से बोलो, वंस अगेन, डोंट शेयर माय पर्सनल थिंग्स ऑन कैमरा, इस हिस्से को कट कर दिया जाए, ओके। तो हैव टू एक्शन समझ में आ रहा है बेटा, आई हैव टू, यू हैव टू, दे हैव टू, लेकिन अगर थर्ड पर्सन की बात करें सिंगुलर की तो हैज टू हो जाएगा, ही हैज टू, शी हैज टू, राइट। अब मैंने इंसिस्ट और कंपेल की बात की थी, अब जैसे कि इसको बर्तन धोने पड़ते हैं क्योंकि इसकी मम्मी बहुत उसको डांटती है, फोड़ेगी किसी के कर्म जाके, है ना, सीख, हाँ किसी के कर्म फोड़ती है ना लड़कियाँ जाके नहीं समझे तो क्या होता है ना, कहा जाता है ना कि भाई काम हम सीख ले, कल को हमारी हमारी बेइज्जती कराएगी वहाँ पर, ये कराएगी वो कराएगी, तो लड़की के लिए कहा जाता है कि भाई चुप तो, अरे बस चुप हो जाओ, काटना इसी ने तो सुनो सुनो इसने पूछा डू यू वॉश डिशेज, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आई हैव टू एक्शन, भाई मजबूरी है कि क्या करें बर्तन धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश। अब देखो नहीं नहीं आई हैव टू नहीं बोलूंगा मैं, आई हैव गॉट टू वॉश डिशेस, कैसे बोलूंगा, अब मैं जा रहा हूँ क्लास का टाइम हो चुका है मेरे को बर्तन धोने हैं, आई गोटा वॉश डिशेस, कैसे बोलूंगा, आई गोटा वॉश डिशेस, अरे झाड़ू भी लगानी, चुप रहो टाइम नहीं इतना, पढ़ा के जा रहा है, झाड़ू वाड़ू लगानी कैसे बोलूंगा, आई गोटा स्वीप, क्या कह रही, आई गोटा झाड़ू, क्या बोल रहे हो, आई गोटा झाड़ू, आई गोटा स्वीप, वंस अगेन, वंस अगेन, क्या करे झाड़ू लगानी पड़ती है, आई हैव टू स्वीप, वंस अगेन, पोछा भी लगाना पड़ता है, आई हैव टू मॉप,
बर्तन धोने पड़ते हैं. आई हैव टू वॉश डिशेज. और मैंने एक और चीज़ सिखाई थी, वॉश के लिए हम क्या लगा सकते हैं, डू. कैसे बोलेंगे, आई हैव टू डू द डिशेज. वंस अगेन, वंस अगेन. अब और क्या क्या करना पड़ता है वो हम नहीं बताना चाह रहे. हाँ वो सारे काम हैं, तो अभी इस पे ध्यान दो. तो समझ में आ बेटा, हैव टू एक डंडा है. सारा मतलब मेरे बारे में पूछोगे. मैंने सुनो सुनो लिसन टू मी. वो छोटो एक बार की बात है. सही, मैं जैसे थर्ड पर्सन का रूटीन में कराता हूँ ना, कि भाई थर्ड पर्सन के बारे में लिख कर लाना है कि माई मदर गेट्स अप एट 5 o'clock, आफ्टर दैट शी गोज फॉर अ वॉक एंड शी टेक्स अ ग्लास ऑफ वाटर, शी कम्स बैक होम. मैंने कहा भाई किसी का भी थर्ड पर्सन का रूटीन लिखना, एक बच्चे ने मेरा ही लिख दिया. और उस दिन से मैंने कह रखा कि कोई मेरा नहीं लिखेगा. बस ऐसा लिख ला कि सर ना 3 बजे उठते हैं. सर गेट्स अप एट, थर्ड पर्सन हूँ ना मैं, तो ऐसे ऐसे लग जाएगा. बोलो सर गेट्स अप एट 3 o'clock. रात को 3 बजे. सर गेट्स अप एट 3 o'clock. फिर सर के बच्चे रोते हैं. फिर मैडम गुस्सा हो जाती है. फिर सर बच्चों के डायपर चेंज करते हैं. फिर मैडम फिर गुस्सा हो जाती है. फिर सर ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर ये करते हैं वो करते हैं. मैंने कहा भाई जाके बैठ जा, तेरे से कभी कुछ नहीं बुलवाऊंगा मैं. तो उस दिन से मैं कहता हूँ नोबडी विल मेक माय डेली रूटीन लाइक, मेरा रूटीन कोई नहीं बनाएगा. ट्रूथ नहीं है, दिस इज अ मिथ. तो जो भी है मतलब बच्चे भी पता नहीं कहाँ दिमाग चलता. मैंने कहा था किसी और का, अंकल का, चाचा का, था वो किसी का भी, अब थर्ड पर्सन का लिख सकते हो. मेरा ही लिख कर ले आया. अरे बेटा रूटीन नहीं था, बना के लाया था ना मेरी तरफ से, कुछ भी रियल थोड़ी ना था वो. अपनी मर्जी से कुछ भी बना के ले आया. अब आगे सुनो. देखो इंसिस्ट में क्या होता है बेटा, आपकी चलती है लेकिन कंपेल में आपकी नहीं चलती. कंपेल ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आप किसी को कंपेल करते हो काम के लिए, जोर डालते हो, है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, कंपेयर. अब जैसे कि मैं इसके घर जब भी जाता हूँ क्या करती मिलती है, बर्तन धोती मिलती है. मैंने पूछा तेरे को पसंद है क्या बर्तन धोने, डू यू लाइक टू डू द डिशेज. फिर से बोलो. अब वैसे मैं समझ गया था इसका फेस देख के, पटक पटक के धो रही थी ऐसे. धोया. अरे सर कहाँ पसंद है बोलो. दुखी तो हो जाओ, वैसे हाथ लगाओ. I don't like to do the dishes. बोलो. I don't. इनसे मेरी मम्मी ना कंपेल करती है मेरे को. But my mother compels me. इसे धोने पड़ते हैं क्या करें. कहते हैं किसी के घर जाएगी वहाँ क्या करेगी, मेरी बेइज्जती कराएगी. तो सर मेरे को क्या करना पड़ता है, हाँ किसी के कर्म फोड़ देगी. तो सर मेरे को क्या करने पड़ते हैं, बर्तन धोने पड़ते हैं. बोलेगी. Once again. अब देखो जो इंसिस्ट मैंने बात की, ये तो कंपेल हो गया भाई, मम्मी को हम नहीं मना कर सकते, पता सुनाएंगे फिर अच्छे से, है ना. ओके क्या तेरे पापा को आने दे, तेरे पापा को और बताती हूँ. फिर थोड़ा हमें और डरना पड़ता है, राइट. ऐसे जब पढ़ाई की बात होती थी बचपन में, मम्मी कहती रहती थी पढ़ लो. लेकिन कहते ना पापा आ गए तेरे, अब भाग के बुक उठाते थे, चाहे कुछ भी पढ़ना ना हो उसमें से भाग के बुक उठानी पड़ती थी. या फिर अब जैसे हम कुछ हरकत कर रहे होते थे, कहते बोलूँ तेरे पापा को, बोलूँ देखना जी, ठीक है पढ़ रहा हूँ. ऐसे होता ना, तो उसे क्या करें, पढ़ना पड़ता है. आई हैव टू स्टडी. तो क्या आपको ऐसे ही हमने पूछा कि आपको जल्दी उठना पसंद है, डू यू लाइक टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. फिर से बोलो. अच्छा पहले ये कैसे पूछें कि आप जल्दी उठते हो. हाँ सर मैं जल्दी उठता हूँ. क्या आपको पसंद है जल्दी उठना. अरे सर पसंद तो नहीं है, मेरे पापा मजबूर कर देते हैं, तो उठना पड़ता है सर मेरे. आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. फिर से बोलो. अब पापा उठाने आए हैं तो कंपेल ही करेंगे, सीधी सी बात है. पापा ने कहा उठ ले, पापा मैं नहीं उठ रहा समझे, सोने दो थोड़ी देर और, बहुत दुखी कर लिया आपने, जाओ. नहीं कह सकते ना, यू कॉन्ट से दिस राइट. सो आई हैव टू गेट अप अर्ली, क्या बोलेंगे, इसको उठना पड़ता है तो शी हैज टू गेट अप अर्ली. वंस अगेन. और जो इंसिस्ट है ये हम करते हैं अपने पापा से. पापा से तो खैर नहीं करते, पापा से तो बच के, मम्मी से करते हैं हम इंसिस्ट, मम्मी प्लीज़ प्लीज़ ये करो, मजबूर तो कर देते हैं. अब बचपन की याद करो, बचपन में आपको कोई खिलौना लेना होता था, है ना. अब आप मम्मी के साथ जा रहे हो मार्केट में, हालांकि मम्मी कहती थी अगली बार तेरे को लेके नहीं होंगे ना, अलग बेइज्जती करा देता सबके आगे. है ना, तो हम जाते थे मम्मी के साथ,
अब हमें कोई खिलौना या कुछ भी पसंद आ गया, मम्मी ने सामान खरीद लिया, अब मम्मी के पास पैसे भी नहीं बचे, हालांकि मम्मी बहुत सारी चीज़ें हमें दिला ही देती थी, फिर भी हमारी नीयत तो ख़राब रहती थी कि मम्मी ये खिलौना चाहिए, मम्मी कहती पैसे नहीं बचे चुपचाप। अच्छा, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। खिलौना तो मेरे को चाहिए, आई वॉन्ट द टॉय, कैसे बोलेंगे, बाय हुक और क्रुक, ठीक है, कैसे भी करके मुझे खिलौना तो चाहिए ना, तो बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे बोलेंगे, हाँ, तो खिलौना तो मेरे को चाहिए, आई वॉन्ट टॉय बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब ये सामने कहते नहीं थे, मनी मन कहते थे। फिर हमारा दूसरा पैटर्न काम आता था नेक्स्ट स्टेज, रोने वाला, ऐसे रोने वाला नहीं, लटक जाते थे मार्केट में, चाहिए मम्मी उठाती, निकम्मे खड़ा वाले, बेइज्जती करा दिया, किसे लेके नहीं आओगे खड़ा वाले, मम्मी कुछ सामान वापस ही देती थी, बल्कि भाई ये सामान वापस रख लो, आप थोड़े इन पैसे उठने खिलौना दे दो, चुप हो जाए, और हम है ना, तो घर पे जाने के बाद वो बात अलग है, अलग से ठोकती थी फिर हमें, तो पापा पूछते थे कि ये क्यों ले लिया, इसकी तो ज़रूरत नहीं, देने सारे खिलौने इसके पास पड़े हैं। निकम्मे ने मजबूर कर दिया, ही कपेल नहीं बेटा, चलनी मम्मी की है, चली इसमें मम्मी की है, मम्मी की ही चलती है। कई बार ऐसी भी तो घटना हुई है, आपने रोना शुरू कर, धड़ाधड़ वहीं मार्केट में ही दिया, तो पावर मम्मी के हाथ में थी, वो मम्मी की ममता थी कि जो उन्होंने माँ की ममता की वजह से आपको खिलौना मिल गया, पापा की ममता होती ना, पहली बात तो आप रोते ही नहीं है ना, तो वहाँ पर क्या समझ में आया आपको, मजबूर तो किया बच्चे ने भी, लेकिन वो एक रिक्वेस्ट वाली फॉर्म थी, इंसिस्ट था, जिसमें कि चलनी हमारी बड़ी हायर अथॉरिटीज़ की थी, तो मम्मी क्या मजबूर कर दिया इसने मेरे को, ही इंसिस्टेड मी, फिर से बोलो, अब इंसिस्ट का इंसिस्टेड क्यों आया, क्योंकि पास्ट की बात है, घर आकर बता रही हैं, तो पास्ट की बात सेकंड फॉर्म से बताते हैं, बोलो ही, तो मेरे को खिलौना खरीदना पड़ा, क्या बोला, वेरी गुड, क्या बोला, कहीं पानी है चुल्लू पर, हर सेंटेंस में बताता हूँ, उनको भी ऑनलाइन बच्चे वालों को भी पता चल चुका है कि सर यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए थी, पास लगना चाहिए था, ये तो हैव टू का क्या हो जाएगा, हैड टू नहीं हो जाएगा, जब मैं ये ना करूँ, मैं जिंदगी भर आपके सामने ये करने आया करूँगा, कोर्स के बाद भी विमल, ये विमल करने आऊँगा मैं हमेशा कि सेकंड फॉर्म बेटा सेकंड फॉर्म है, अरे कभी तो समझ जाओ कि लगानी है मैं सेकंड फॉर्म, अब तो अपने आप खटाक से आपके माइंड में आनी चाहिए, मुझे खरीदना पड़ा, आई हैड टू बाय दिस टॉय, वंस अगेन खरीदना पड़ता है, आई हैव टू खरीदना पड़ा था, आई हैड टू, इसने मुझे मजबूर कर दिया वहां पे मार्केट में, क्या बोला, ही इंसिस्टेड मी, वंस अगेन आया समझ में आपको इंसिस्ट और कंपेल में डिफरेंस, एक ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चा ये करता है इंसिस्ट, माँ भी करती है, एक पत्नी अपने पति को भी मजबूर कर देती है, जैसे चलती किसकी है, पति की है, अब पत्नी को क्या चाहिए, साड़ी चाहिए नई या कुछ नई ड्रेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उस दिन से पति को खाना ढंग से नहीं मिलता, थाली पटक के देती है, पटक, पति समझ गया कुछ चाहिए, बेचारा खाएगा, जब भी आएगी अगर आएगी पानी, सारे काम मैं ही करूँ, कभी खुद भी उठ कर ले लिया करो, अभी रोटी दे गई, नौकरानी बना रखी हूँ घर में, पति समझ रहा है कि कुछ ना कुछ चाहिए, 5-7 दिन ये ड्रामे चलेंगे, उसके बाद समझ पूछ ही लेता क्या चाहिए, बता वो नया फेस्टिवल आ रहा ना, या नई पार्टी में जाना, उस शादी आ रही, नई ड्रेस चाहिए मेरे को, है ना, तो मजबूर तो उसने भी किया ना, लेकिन चलती फिर भी किसके, पति की चलती ना, हायर अथॉरिटी पति होता है, पुरुष प्रधान समाज है कहने को आज के टाइम में कहने को रह गया, अब ये पहले की बात बता रहा हूँ मैं, अब तो नहीं है, अब तो पति रिक्वेस्ट करता है मैं जो भी तो कैसे बोलेंगे, उसने क्या किया, पत्नी ने क्या किया, अपने पति को इंसिस्ट किया, शी इंसिस्टेड हर हस्बैंड, फिर से बोलो, किस चीज़ के मान लो इंस्टॉलमेंट्स के पैसे रखे हुए थे, तो बेचारे ने सोचा चलो पहले इसका इसको शांति मिल जाए, टाइम से कम रोटी मिल जाए शांति से, तो उसको क्या करना पड़ा, साड़ी खरीदनी पड़ी, तो ही पास्ट है ना, तो हैड टू हो जाएगा, ही हैड टू बाय साड़ी फॉर हिज वाइफ, वंस अगेन, तो क्या नहीं बेटा, हैव किस पास्ट बन गया ना, यहाँ पे हैड टू,
ये हेड के साथ थर्ड फॉर्म तब आएगी जब वो दूसरे संडास होते हैं आपके, कौन से वाले, चुका था चुके थी चुकी थी वो वाले जो होते हैं जी, वो वाले हेड नहीं है, है ना, जो आपको काम किया था आपने वो वाला हेड नहीं है, इसमें तो करना पड़ता है वाला स्ट्रक्चर है ये, वो वाला हैव नहीं है जो आप, जैसे कि मैंने कोई काम कर लिया तो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म आप बोलते थे, मैंने लिख लिया तो आई हैव रिटन, मैं खेल लिया, हैव प्लेड, मैंने डांस कर लिया, हैव डांस, मैंने पढ़ा दिया, आई हैव टॉट, मैं पढ़ लिया, आई हैव स्टडीड, ये हैव के साथ टू भी लगा इसमें, तो हैव टू एक अलग है, राइट, ये मॉडल की तरह काम कर रहा है, ना कि टेंस वाला स्ट्रक्चर नहीं है ये, राइट। हैव टू कोई काम करना पड़ता है, आई हैव टू एक्शन, फिर से बोलो, आई हैव टू एक्शन, तो क्या क्या करना पड़ता है आपको, इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, दीपक सर मजबूर कर देते हैं, दीपक सर कंपेल्स अस, कैसे बोलोगे, ओके, तो क्या आपके पेरेंट्स आपको किसी चीज़ के लिए कंपेल करते हैं, कैसे पूछेंगे, डज योर पेरेंट्स कंपेल यू टू डू एनीथिंग, राइट राइट, यस और नो, यस और नो, जुबानी निकल रही, यस सर, सुनो 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 सुनो, आगे पीछे मत पूछो, मैं हूँ यहाँ, ठीक है, क्या आपके पेरेंट्स आपको मजबूर करते हैं कुछ करने के लिए, डज योर पेरेंट्स कंपेल यू टू डू एनीथिंग, इज दिस सेंटेंस राइट और रॉन्ग, इज दिस सेंटेंस राइट और रॉन्ग, इतना बता दो सही है गलत है, मे बी नहीं चलेगा यहाँ पे, मे बी, इट मे बी रॉन्ग, इट मे बी राइट, तो मुझे ही पता है, हो सकता है नहीं हो सकता, तो मैंने पूछा ये गलत है, राइट, नो नो यस, देखो ये इसमें छोटी सी गलती है और ये अधिकतर लोग करते ही हैं ये गलती, बी लगा दिया, इसमें सबसे पहले ही गलती हो रखी है स्टार्टिंग में ही, डज योर पेरेंट्स, अब पता लग गया क्या गलती है, पेरेंट्स हैं दो होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो डू आएगा ना कि डज, अगर सिर्फ फादर की बात होती या फिर मदर की बात होती तो हम क्या लगा देते हैं, डज, डज योर मदर कंपेल यू टू डू एनीथिंग, डज योर फादर कंपेल यू टू डू एनीथिंग, बट पेरेंट्स, बोलो, डू योर पेरेंट्स कंपेल यू टू डू एनीथिंग, फिर से बोलिएगा, डू योर पेरेंट्स कंपेल यू टू डू एनीथिंग, यस, My parents compels me anything. My parents compels कैसे हो जाएगा? Do आया तो. My parents compel me anything. To? अरे anything बताना क्या है वो? To anything. आपने बोला my parents compel me to do anything. मतलब कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देते हैं. तो ये वाली sense हो गई. कुछ भी. Wash dishes. तो ऐसे बोलो my parents compel me to do compel. And make parties. My parents compel me to make chapatis, wash dishes, water the plants. अरे बस बस बहुत आपकी तो बहुत मजबूरी हो गई, बहुत दुख है बेचारे के. Does your father compel you to do anything? हाँ देखा, मुझे पता था यहाँ पे ऐसा नहीं लगाया गया compel में, इसलिए मैंने do your parents नहीं बोला, does your father बोला मैंने. To study. Does your mother compel you to do anything? Yes, my mother. My mother compels me to get married. Okay. क्या? What? It's very क्या? Okay. Does anybody compel you to do anything? Something. Do your parents compel you to do anything? Okay. Does anybody compel you to do anything? He's lying. बोलिए जल्दी बोलिए. चलो ठीक है. नहीं करते हैं. मुझे प्ले स्कूल बंद करना पड़ा था, मजबूरी थी मेरी, कैसे बोलूंगा, आई हैड टू वाइंड अप माय बिजनेस, कैसे बोलूंगा, कोई बिजनेस वगैरह बंद करना वाइंड अप होता है, तो मुझे अपना बिजनेस क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा, पहले बोलो सेंटेंस बोलो, आई हैड टू वाइंड अप माय बिजनेस, मुझे अपना स्कूल शट करना पड़ा, शट डाउन करना पड़ा अपना स्कूल, आई हैड टू शट डाउन माय स्कूल, मुझे अपनी ब्रांच भी शट डाउन करनी पड़ी थी, आई हैड टू शट डाउन माय ब्रांच, तो मुझे भागना पड़ता था इधर उधर,
मुझे लेग वर्क करना पड़ता था, सिखाया था ना लेग वर्क, आई हैड टू डू लेग वर्क. वंस अगेन, करना पड़ता है, आई हैव टू करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू लेग वर्क. लेग वर्क सीखा था ना, दौड़ भाग भरा काम. तो कोई काम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, इसे पढ़ना पड़ता है, इसको बर्तन धोने पड़ते हैं क्योंकि इसकी मम्मी इसे मजबूर कर देती हैं. बिकॉज हर मदर कंपेल्स हर. वंस अगेन, बिकॉज हर मदर कंपेल्स हर. तो इसको बर्तन धोने पड़ते हैं, शी हैज टू वॉश डिशेस, राइट. तो ऐसे ही हमने पूछा, भाई तू इतना दुखी रहता है, तूने शादी की ही क्यों? Why did you get married? Why did you go to नहीं बेटा, did you action होता है ना, did के साथ first form आएगी. पूछो इससे, क्यों शादी की तूने? ऐसे नहीं, ऐसे शादी क्यों की फिर तूने जब दुखी रहता. Why did you get married? अरे बोला सर मेरा बिल्कुल, मैंने पूछा तुम्हारा मन था क्या शादी करने का? Did you? मन करना क्या होता है? फील लाइक, और फील लाइक के साथ जेरंड फॉर्म आती है, मतलब आईएनजी वाली फॉर्म आती है. मेरा नाचने का मन कर रहा है, आई एम फीलिंग, मत बनाना रहा रहे रही देख के आपका मन करेगा आईएनजी लगाने का. आई एम फीलिंग, आई फील लाइक डांसिंग. फिर से बोलो, मेरा शादी का मन था. फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट हो गई, आई फेल्ट लाइक गेटिंग मैरिड. वंस अगेन, अरे सर मन नहीं था. बोलो, आई डिडंट फील लाइक गेटिंग मैरिड, लेकिन सर घर वालों ने मजबूर कर दिया, माई पेरेंट्स कंपेल्ड मी, तो मुझे शादी करनी पड़ी. आई हैड टू, बट आई हैड टू एक्शन, आई हैड के अपने आप हैव की पास्ट फॉर्म लग चुकी है हैड, तो हैड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, एक्शन आएगा डायरेक्ट. I had to get married. फिर से बोलिएगा, शादी करनी पड़ी थी सर, मैं मजबूर था. मैं मजबूर था, इसकी इंग्लिश क्या होगी? या मैंने मजबूरी में शादी की? देखो मजबूर एक ऐसा वर्ड है, इसकी इंग्लिश नहीं है कोई. मजबूर की कोई इंग्लिश नहीं है, लेकिन इसके लिए वर्ड्स हैं हमारे पास, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, सब्स्टिट्यूट है जो वहाँ पे यूज़ किया जाता है. एक वर्ड होता है हेल्पलेस, तो मजबूर के लिए आपको हेल्पलेस का यूज़ करना होता है. अब डायरेक्ट इंग्लिश ढूंढोगे ना मजबूर की, वो इंग्लिश नहीं मिलेगी, तो आपको हेल्पलेस करना, वो इसी का काम करेगा. मैं मजबूर हूँ सर, आई एम, और मैं था, आई वॉज हेल्पलेस. कैसे बोलेगा? सर मैं मजबूर था, जो मुझे शादी करनी पड़ी थी. आई वॉज हेल्पलेस, आई हैड टू गेट मैरिड. फिर से बोलो, और अगर ये कहेगा कि मैंने एक काम मजबूरी में किया, मैं मजबूर था तो आई वॉज हेल्पलेस. अगर आपने कहा कि भाई मैंने एक काम मजबूरी में किया, तो कैसे बोलो? पहले इतना बोलो कि मैंने काम किया, कोई भी काम, जैसे मैंने शादी की, आई गॉट मैरिड, लाउडली इतना क्लियर है. पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म लग गई, आई आई गॉट मैरिड. अब मजबूरी में करने के होते हैं अंडर कंपल्शन, अंडर कंपल्शन, उस कंपल्शन के अंडर आकर मैंने वो काम किया, हाँ, तो आई गॉट मैरिड अंडर कंपल्शन. या फिर कोई भी अलग से काम बताना चाहो तो उसी का पास लगा दो, जैसे डू होता है करना, डिड हो गया उसका पास, आई डिड इट, सुनाई नहीं दे रहा, राइट. तो आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? फिर से बोलो, अरे सर सैलरी नहीं बटी, मजबूरी में सीख रहे हैं. We are learning. पूरा नहीं बनाना, हम सीख रहे हैं मजबूरी में. बोलो, we are learning English under loudly. फिर से बोलो, है ना, कोई काम करना पड़ता है मजबूरी में करना पड़ता है, तो I have to action under compulsion. तो हेल्पलेस तो बोलोगे, अब मैं मजबूर हूँ, आई एम हेल्पलेस, और मजबूरी में करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस वर्क,
अंडर कंपल्शन। आप अपनी लाइफ में उठा लो, आप किसी भी काम को तभी करते हो जब आपके ऊपर लास्ट मजबूरी हो जाती है, व्हेन यू हैव टू एक्शन, व्हेन वंस अगेन व्हेन यू हैव टू एक्शन, जब आपको करना पड़ता है आप तभी करते हो। अगर आपको डेडलाइंस नहीं दी जाए ना, आपको टाइम की लिमिट्स नहीं दी जाए ना, तो आप कभी भी काम करोगे ही नहीं, आप दिन पे दिन और भी ज़्यादा क्या होते चले जाओगे, स्लगिश, क्या होते चले जाओगे, स्लगिश, और भी ज़्यादा लीचड़ होते। वो स्लगिश क्या होता है, सीखा था ना, लीचड़ मतलब जो काम करके हाँ। तो ऐसे इंसान जो काम को कामचोर होते हैं उनको बोलते हैं आइडलर, क्या बोलते हैं, तो आप क्या बन जाओगे, आइडलर बन जाओगे, यू विल बिकम आइडलर, फिर से बोलो। तो हमेशा ध्यान रखना, तो लीनियंसी, लीनियंसी क्या होती है, नरमी, नरमी की वजह से ही हमेशा क्या होता है, अनुशासनहीनता आती है, लीनियंसी से आती है। तो जब किसी चीज़ से कोई चीज़ होती है ना, तो हम लगाते हैं कोज, क्या लगाते हैं, तो लीनियंसी से होती है इनडिसिप्लिन, कैसे बोलेंगे, लीनियंसी लाउडली इनडिसिप्लिन, कोज में एसएस सबने लगाया, क्योंकि करती है, लीनियंसी के लिए हम एसएस लगाएंगे ना, आई डू यू डू शी डज, आई गो यू गो शी गोज, आई प्ले यू प्ले शी, सेंटेंस बोला करो बेटा, पहले आई प्ले, क्या बुलवा रहा हूँ वो तो देखो पहले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले यू प्ले शी प्लेज, आई डांस यू डांस शी डांसेस, राइट। ऐसे लीनियंसी कॉजेज इनडिसिप्लिन, आई कॉज यू कॉज लीनियंसी कॉजेज, फिर से बोलो, लीनियंसी कॉजेज इनडिसिप्लिन। ऐसे आपने देखा हो ना, जैसे कि जो बच्चे स्कूल में कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं बड़ी डांटते वाटते नहीं है, उनके क्लास में बच्चे शोर करते रहते हैं, चिल्लाते रहेंगे, है ना, बेटा चुप हो जाओ चुप हो जाओ, एक टीचर ऐसा होता है वो कहता नहीं है, वो चुपचाप गैलरी से निकलता है, शांति अपने आप, प्रिंसिपल सर जब राउंड लगाते हैं तो शांति हो जाती है अपने आप, क्यों, क्योंकि वो इंसान लीनियंट है, जो उसके लिए आप कितना भी रिक्वेस्ट के लिए आप नहीं मानते। तो लीनियंसी से क्या होता है, इनडिसिप्लिन होता है, बोलो, लीनियंसी कॉजेज इनडिसिप्लिन। तो कुछ टीचर्स आपने स्कूल में देखेंगे बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, बड़े डांटते हैं मारते हैं, बेवजह भी पीटते हैं कई बार वो, ताकि खौफ बना रहे, क्योंकि उनका मन नहीं होता पीटने का, हालांकि उनको करना पड़ता है, दे हैव टू बीट स्टूडेंट्स विदाउट एनी रीजन, बोलो, दे हैव टू बीट स्टूडेंट्स, है ना, तो पीटते हैं सर, गोपाल पानी, फिर अब हर टाइम पानी पीता रहेगा तू, सर पहली बार तो आया हूँ फिर भी पीटना है उनको, क्योंकि खौफ तभी बनेगा, 10 बच्चे और देखते हैं तो ओ सर ने, सर अरे मार रहे मार, भागो 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 राइट तो उनको पीटना पड़ता है, बोलो, ही हैज टू बीट स्टूडेंट्स, वंस अगेन, लेकिन आजकल पिटाई वगैरह बंद हो चुकी है, तो इसलिए बच्चे पीट देते हैं टीचर्स को, जमाने बदल चुके हैं, लेकिन वो गलत है, जो भी है हो रहा है, हाँ गुरु जैसे है, भी है, जैसे भी है मतलब क्या जैसे भी है हमारे गुरु हैं, जैसे भी क्या होता है, चलो हाँ प्यारे से तो कोई भी चीज़ है, कोई काम करना पड़ता है बोलेंगे आई हैव टू एक्शन, इसको करना पड़ता है शी हैज टू, करना पड़ा था तो हैड टू एक्शन, पढ़ना पड़ता है सर, इसको पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ा था, शॉप पर जाना पड़ा था, बर्तन धोने पड़े थे, आई हैड टू वॉश डिशेज, नहाना पड़ा था सर, नहाना पड़ता है, क्या आपको नहाना पड़ता है, डू यू हैव टू, वंस अगेन, फिर से बोलो, मुझे नहाना नहीं पड़ता सर, इसको नहाना पड़ता है, क्या इसको नहाना पड़ता है, हाँ सर इसको भी नहाना पड़ता है, उसको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ही हैज टू प्रैक्टिस, फिर से बोलो, उसको शादी करनी पड़ी थी, He had to get married. बेचारा मजबूर था, He was helpless. फिर से बोलो, He was, उसने शादी की मजबूरी में, He under compulsion. He did it under compulsion. तो अच्छे से has, have और इसके साथ to लगाकर प्रैक्टिस करना, I have to, He has to, She has to, और मजबूरी ज़्यादा ही बढ़ जाए, I have got to, राइट, और गोट टू को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, गोटा, गोटा,
गोटा प्ले, गोटा गो, गोटा वॉश डिशेज, गोटा जो भी कुछ हो सकता है, राइट। आई होप यू लाइक द क्लास एंड यू गाइज लाइक द वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसे देख कर निकलना नहीं है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम है। मैंने अपना पूरा दिल से आपको पढ़ाया, एक एक स्ट्रक्चर अच्छे से कराया हुआ पूरी। देखो कुछ लोग हो सकता है जो स्ट्रक्चर्स हमारे चल रहे हैं इनमें साथ साथ बोल नहीं पा रहे होंगे, वो इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि उन्होंने सारे लेसन स्टार्टिंग से नहीं प्रैक्टिस किए साथ साथ। तो लेसन वन से देखें और जितने अगर हमारे लेसन अभी तक गए हैं, अगर सबको एक एक दिन रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करोगे साथ साथ, तो डेफिनेटली 101% यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, नॉट ओनली इंग्लिश, यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो हमारी वीडियोस हैं उनका जो लिंक है ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जो इतनी मेहनत लगाकर हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो हम भी आपसे इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि आप वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। वीडियोस अच्छी लगती हैं, पूरी लगती है, जैसे भी लगती है, लेकिन कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और ये सीरीज़ आपके वैल्यूएबल है या नहीं है हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि तभी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता तो हमें भी बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियोज़ बनती हैं, 10-10, 15-15 घंटे के एफर्ट्स, उसके बाद ये वीडियो आप तक प्रोवाइड की जाती है। सो आई होप यू लाइक इट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए।